नमस्कार, आदाब, जोहार। जेके न्यूज़ नेटवर्क के इवनिंग बुलेटिन शो में मैं आपके साथ मोहम्मद फैसल। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से सरकार ने आज बातचीत की। करीब 2 घंटे चली बातचीत के दौरान केंद्र ने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रेजेंटेशन दिया। केंद्र ने किसानों के सामने इन कानूनों पर चर्चा के लिए नई कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इसमें सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के अलावा एक्सपर्ट्स भी शामिल रहे। किसानों के साथ बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि हम किसानों की मांगें सुनने के बाद आगे की राह तय करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रभा शर्मा जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है प्रभा, इस बातचीत से क्या समस्या का हल हो जाएगा? देखिए फैजल, कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले 5 दिनों से हल्ला बोल जारी है और आज उनके प्रदर्शन का 6ठा दिन भी था। सरकार के बुलावे पर किसानों ने कहा था कि वे मीटिंग के लिए इसीलिए तैयार हुए हैं क्योंकि इस बार सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी है। जैसा कि सरकार ने सोमवार देर रात किसानों को बातचीत का न्योता भेजा था, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि जो किसान नेता 13 नवंबर की मीटिंग में शामिल थे उन्हें न्योता दिया गया है। दरअसल कृषि विभाग के सचिव की तरफ से जारी हुई न्योति की चिट्ठी में 32 किसानों के नाम थे। ये सभी पंजाब के किसान नेता थे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सिंधु बॉर्डर 32 साल बाद सबसे बड़े किसान आंदोलन का गवाह बन चुका है। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 5 लाख किसान यहां जुटे थे। किसानों के मुद्दे पर सरकार 36 घंटे में 3 बैठकें कर चुकी है। इससे पहले सरकार पहले इस बात पर अड़ी थी कि किसान 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आए। सोमवार को सरकार ने इसे छोड़ दी और 1 दिसंबर दोपहर 3 बजे 32 किसान नेताओं को बातचीत का न्योता भेजा। इससे पहले सरकार ने किसानों से कहा था कि वे प्रदर्शन खत्म कर बुराड़ी आ जाएं तो बातचीत पहले भी हो सकती है, मगर किसान इस पर नहीं माने। 1 दिसंबर यानी आज पूरा विश्व वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के बीच यह भी संदेश जाना जरूरी है कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस HIV का होता है, जिसमें मरीज जीवित तो रह सकते हैं लेकिन जीवन भर उन्हें HIV के संक्रमण से जूझते रहना पड़ सकता है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कुल 25,000 मरीज HIV से संक्रमित मरीज हैं। झारखंड एड्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव रंजन ने हमारी सहयोगी प्रभा शर्मा से एड्स डे के अवसर पर क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा कि आप लोग अवगत होंगे, आज 1 दिसंबर 2020 हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं और इस साल का हमारा थीम है वैश्विक भागीदारी के साथ जन जिम्मेदारी, यानी कि हम लोग एक साझी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर से करेंगे लेकिन एक भागीदारी और बंधुता की भावना के साथ में करेंगे। इस थीम को हम लोगों ने मनाया भी है और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फर्स्ट हाफ में हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था सारे स्टेट के साथ में, उसको हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। सेकंड हाफ में हमारे यहाँ स्टेट लेवल के प्रोग्राम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता सर की उपस्थिति में हम लोगों ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का संचालन करवाया। एंड दूसरी बात मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे सारे जिलों में जो ICTC केंद्र हैं अथवा जो ART केंद्र हैं, इनके माध्यम से PLHIV के साथ समन्वय स्थापित कर सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम का हम संचालन आज के इस दिवस पे हम करवा रहे हैं। मैं आपको ये भी अवगत करा देना चाह रहा हूँ झारखंड के संदर्भ में जो तथ्य है एड्स को लेकर कि लगभग 25,000 के आसपास एड्स पीड़ित हमारे झारखंड में रहते हैं और अगर हम ART सेंटर्स जहाँ से हम दवाइयों का वितरण करते हैं अपने एड्स पीड़ित भाई बंधुओं को, उनकी अगर संख्या देखें तो लगभग 21,000 के आसपास ART सेंटर्स के साथ में जुड़े हैं। कई डेथ्स हो जाते हैं दूसरी बीमारियों के साथ, जब ये बीमारी कंबाइन हो जाती है तो कई डेथ्स हो जाते हैं या कई लोगों की शिफ्टिंग होती है तो फिर वो दूसरे स्टेट के या दूसरे जिलों के ART सेंटर के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। रांची प्रेस क्लब और द विनायक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाया गया। द विनायक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर चंदन कुमार की टीम के द्वारा रांची प्रेस क्लब में लगाए गए कैंप के माध्यम से राशन कार्ड धारी पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया।
विशेष कैंप 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक है, जिसमें सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रेस क्लब के सदस्य आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। जी, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान भारत कार्ड है। सरकारी जो मापदंड है उनके अंतर्गत जो पत्रकार उसमें सरकारी मापदंड के अंतर्गत आ रहे हैं उनके लिए ये अवेयरनेस नहीं था, इसलिए बहुत लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड मेरा पहला कार्ड बना इस प्रेस क्लब के माध्यम से, और जितने भी प्रेस क्लब के पदाधिकारी हैं, सचिव है, अध्यक्ष, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और चूंकि एक बढ़िया अच्छा पहल है पत्रकारों के लिए, और हम चाह रहे हैं कि जितने भी पत्रकार हैं, सभी जानते हैं कि पत्रकारों का सैलरी कितने होते हैं और क्या खर्चा कर सकते हैं। ये पहल एक बहुत सराहनीय कार्य है और हम चाहेंगे कि उनके अब सिर्फ पत्रकारों का हो रहा है, हम आग्रह करेंगे कि उनके फैमिली मेम्बर के लिए भी ये शुरुआत किया जाए ताकि सारे पत्रकार अपना आयुष्मान का लाभ ले सकें। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। चुनाव 20 दिसंबर को है और चैम्बर कार्यकारिणी की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस बार चैम्बर चुनाव ऑनलाइन किया जाएगा। इसकी सहमति कार्यकारिणी से मिल गई है, वहीं चैम्बर की वेबसाइट में इसे अपलोड भी कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले ही चैम्बर ने इस संबंध में विज्ञापन जारी किया था, जिसमें ऑनलाइन चुनाव की बात की गई थी। फिलहाल चैम्बर ने अपना एक ऐप तैयार किया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर FJCCI के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य इस चुनाव में सदस्यता लेंगे या जो भी पहले से सदस्य हैं, वह इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए नाम, मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारियां जरूरी है। इस ऐप के जरिए ही चैम्बर चुनाव होगा। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। और जी हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।